हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रविंद्र कौर, आई एम इन चार्ज ऑफ LKG क्लास। सो बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी के स्वर, स्वरों का अभ्यास। और नीचे हमारे पास वर्कबुक पे ही कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र पहचानो और अक्षर लिखो। तो हम चित्र पहचान कर उनके अक्षर जो है वो नीचे लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिन है हमारे पास गुरुवार और डेट है 16 जुलाई। तो हम लिखेंगे स्वर का पहला अक्षर ओ से अनार। स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट लाइन से। स्टार्ट किया हमने फर्स्ट लाइन से सेंटर तक, सेंटर से हम लेके आएंगे सेकंड लाइन तक। इसके पीछे हम लिखेंगे स्लीपिंग लाइन और फर्स्ट लाइन पे हम देंगे स्लीपिंग लाइन और इसके साथ हम अटैच करेंगे स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक। तो ये क्या बना? ओ से अनार। सेकंड है बड़ा आ आम। फर्स्ट लाइन से सेंटर तक, सेंटर से लेंगे और लिखेंगे सेकंड लाइन तक। इसके बाद हम पीछे लिखेंगे स्लीपिंग लाइन, ऊपर भी हम लिखेंगे फर्स्ट लाइन में स्लीपिंग लाइन। तो साथ में देंगे हम स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक और दूसरी लाइन भी ऐसे ही लिखेंगे फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन। तो ये क्या बना? बड़ा आ आम। आगे है छोटी ई इमली, ऊपर हम लिखेंगे स्लीपिंग लाइन और साथ में छोटी ई की मात्रा फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक। तो ये क्या बनी? छोटी ई इमली। आगे है बड़ी ई ईख, बड़ी ई ईख भी हम छोटी ई ईख की तरह, छोटी ई इमली की तरह लिखेंगे और ऊपर हम लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा। तो ये क्या बनी? बड़ी ई ईख। आगे है छोटा उ उल्लू, ऊपर हम देंगे स्लीपिंग लाइन फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे सेंटर में लेके आएंगे, सेंटर से हम सेकंड लाइन तक उसके उसे लेके जाएंगे। तो ये क्या बना हमारे पास? फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक छोटा ऊ उल्लू। आगे है बड़ा ऊ ऊंट, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक हम वैसे ही छोटा ऊ उल्लू की तरह लिखेंगे और पीछे हम लिखेंगे बड़े ऊ की मात्रा। ये क्या बना? बड़ा ऊ ऊंट। आगे है र से ऋषि, र से ऋषि ऊपर हम स्लीपिंग लाइन लिखेंगे साथ में हम स्टैंडिंग लाइन देंगे फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक और इसके साथ लिखेंगे र से ऋषि। तो ये क्या है? र से ऋषि। नीचे हमारे पास कुछ पिक्चर दी गई हैं, अब उन्हें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे लिखना है। पहले पिक्चर है उल्लू, छोटा उल्लू। जैसे मैंने ऊपर बताया कि ऊपर हम लिखेंगे फर्स्ट लाइन में स्लीपिंग लाइन, साथ में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से सेंटर तक, सेंटर से हम लेके आएंगे नीचे नीचे तक सेकंड लाइन तक। क्या बना? छोटा ऊ उल्लू। पिक्चर के अकॉर्डिंग अब हमारे पास है र से ऋषि, ऊपर हम लिखेंगे स्लीपिंग लाइन साथ में हम देंगे स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक और इसके साथ हम राइट करेंगे र से ऋषि। आगे हमारे पास छोटा अनार, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक हम देखा है कि कैसे लिखा है हमने छोटा अनार। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया सेंटर में लेके आए, सेंटर से लेके सेकंड लाइन तक लेके आए, पीछे हमने लिखी स्लीपिंग लाइन, ऊपर फर्स्ट लाइन में हमने दी स्लीपिंग लाइन, साथ में हमने लिखा स्टैंडिंग लाइन को फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक। तो ये क्या बना? छोटा अनार। आगे हमारे पास पिक्चर बड़ा आम की, बड़ा आम कैसे लिखेंगे? ऊपर से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से सेंटर तक, सेंटर से लेके आएंगे सेकंड लाइन तक, पीछे हम लिखेंगे स्लीपिंग लाइन छोटी सी, ऊपर भी हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे छोटी सी स्लीपिंग लाइन, साथ में हम राइट करेंगे स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन और उसके पास दूसरी लाइन भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये क्या बना? बड़ा आ आम। आगे है बड़ा ऊ ऊंट, सबसे पहले फर्स्ट लाइन से सेंटर तक, सेंटर से सेकंड लाइन तक और इसके पीछे हम देंगे बड़े ऊ की मात्रा। तो ये क्या बना? बड़ा ऊ ऊंट। नीचे हम लिखेंगे पिक्चर के अकॉर्डिंग बड़ी ई ईख, बड़ी ई ईख कैसे लिखेंगे? ऊपर हम लिखेंगे फर्स्ट लाइन पे स्लीपिंग लाइन देंगे पहले, उसके बाद हम छोटी ई की मात्रा लिखेंगे फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक और ऊपर हम क्या देंगे? बड़ी ई की मात्रा। तो ये क्या बन जाएगी? बड़ी ई ईख। आगे हम लिखेंगे छोटी ई इमली, ऊपर हम देंगे स्लीपिंग लाइन साथ में हम छोटी ई की मात्रा फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक। तो ये क्या बनी हमारे पास? छोटी ई इमली।
तो ऐसे ही हम पूरी की पूरी वर्कशीट जो है राइट करेंगे और सभी बच्चे ऐसे ही बोलकर लिखेंगे। थैंक यू।